हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, आज क्लास 11th का जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर है, उसके 5th लेक्चर में मैं आपको मोनेरा बताऊंगा। जैसा कि आप ऊपर देख रहे होंगे, लिखा होगा आर एच विटकर जो साइंटिस्ट थे, 1969 में इनके द्वारा जो क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था, इसमें 5 किंगडम बताए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई एंड लास्ट में एनिमेलिया, जिसमें आप और हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले आप मोनेरा पढ़ेंगे। तो मोनेरा जो वर्ड है, वह एक ग्रीक वर्ड है बेटा। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है मोनेरेस। इसका मतलब होता है सिंगल। सॉलिटरी, सिंगल सॉलिटरी यानी एक रूप में पाए जाते हैं। इनके आपको कैरेक्टर पढ़ना है, या इनको फीचर्स कहा जाता है, साइलेंस फीचर, क्या इनके कैरेक्टर हैं बेटा, ये पढ़ना है। तो सबसे पहला तो आप क्या लिख सकते हैं, दीज आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं। तो मैं एक क्रम से एक बना देता हूं, मोनेरा, बेसिकली माइक्रोस्कोपिक, यानी ये सूक्ष्म जीव हैं। सूक्ष्म जीव हैं, इनका जो मेजरमेंट होता है वो 0.1 से फ्यू माइक्रोन, क्या मतलब, 0.1 से लेकर कुछ माइक्रोन इनका सेफ साइज होता है, साइज होता है। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है, मोनेरा आर बेसिकली, यहां तक आपको एक ही लिखना है। इसमें फिर क्या लिख सकते हो, मोनेरा आर बेसिकली प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स एक अनडेवलप सेल होती है। अनडेवलप से मतलब है इसके अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, इस वजह से इसको अविकसित कोशिका कहा जाता है। इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके अलावा जो इसमें सेल्स ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि आपके सेल्स ऑर्गेनेल्स कौन कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, गॉल्गी बॉडी हैं, लाइसोसोम है, ईटीसी, ये नहीं पाया जाता। इसमें सिर्फ 70S राइबोसोम पाया जाता है, 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इस वजह से इसको अनडेवलप या अविकसित सेल कहा जाता है। क्लियर? मोनेरा आर बेसिकली बेसिकली यूनि सेलुलर, यानी एक कोशिकीय होते। इनका जो शरीर होता है वह सिर्फ एक कोशिका का बना होता है, अर्थात वह कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका के रूप में जानी जाती। क्लियर? दे मे बी ऑटो ट्रॉफिक सिम्बायोटिक और सेप्रोफिटिक नेचर के होते हैं। ऑटोट्रॉफिक को कहते हैं स्वयं पोषी, अर्थात ऐसे जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। सिम्बायोटिक को कहा जाता है सहजीवी, यानी जो सह दो जीवों के साथ अपने जीवन को यापन करते हो। सेप्रोफिटिक को कहा जाता है मृतोपजीवी, मृतोपजीवी। तो एक एक सुन लीजिए, ऑटोट्रॉफिक जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं उनको ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है। इसमें आपको दो मैंने बताए थे, एक तो फोटोसिंथेसिस बोला था शॉर्ट में, और दूसरा कीमोसिंथेसिस बोला था, शॉर्ट में लिख दिया। सिम्बायोटिक में आपको देख लीजिए, लेग्यूमिनेसी जो प्लांट्स होते हैं, दलहनी कुल के जो पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में, रूट्स में गांठें पाई जाती, नूड़ पाई जाती है, उसमें बैक्टीरिया रहता है राइजोबियम। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, राइजोबियम।
तो वह सिम्बायोटिक फॉर्म में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? सिम्बायोटिक फॉर्म में पाया जाता है, अर्थात यह भोजन वहां से भी ग्रहण करता है। मृतोपजीवी सड़े गले पदार्थों से, डेड डिके मटेरियल, सड़े गले पदार्थ यानी डेड डिके मटेरियल से जब भोजन प्राप्त करते हैं तब उसको क्या कहा जाता है? सेप्रोफिटिक कहा जाता है, यानी मृतोपजीवी होते हैं। किस नेचर के होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं। अब देखिए, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन कौन कौन सा? एसेक्सुअल और सेक्सुअल। बेटा एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वह बाइनरी फ्यूजन, वह किसके द्वारा? बाइनरी फ्यूजन और बडिंग। किसके द्वारा होता है बेटा? बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है, और किसके द्वारा होता है? सीधे सीधे बडिंग के द्वारा होता है, बेसिकली इन दोनों के द्वारा होता है। जो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? बेसिकली इसमें यही ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वास्तविक नहीं होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मुख्य रूप से क्या होता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन होता है। तो ये कौन सा होता है? रिप्रोडक्शन होता है। कौन सा होता है? देखिए, बाइनरी फ्यूजन आपको पूर्व में मैं बता चुका, बडिंग भी मैं आपको पहले फर्स्ट चैप्टर में बता चुका हूँ, और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बता चुका हूँ। तो इस वजह से इनके बारे में मैंने यहाँ नहीं बताया। तो ये विषय बेटा देखिए, फर्स्ट चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा? फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर सेल वाल प्रेजेंट होती है, यानी सेल वाल पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। यह कोशिका जो भित्ति होती है बेटा, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन काई की बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। काई की बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन और पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। तो ये कैरेक्टर। तो इसके अलावा इसमें जो सीलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? सीलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं। सीलिया का आकार छोटा होता है और फ्लैजिला का आकार बड़े होते हैं, यानी लंबे फ्लैजिला अधिक होते हैं और सीलिया कम लंबे होते हैं। तो इसमें 9+2 सीलिया और फ्लैजिला में 9+2 जो अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूबुल्स का, वह नहीं पाया जाता, वह नहीं पाया जाता। तो बेटा ये कुछ मैंने लगभग 7-8 कैरेक्टर बता दिए। कितने कैरेक्टर बताए? बल्कि ज्यादा ही हो गए होंगे। आपको एनी 5 कैरेक्टर 11th के दृष्टिकोण से पढ़ना है। यदि आपको और ज़्यादा करना है तो सारे के सारे कैरेक्टर जो मैंने लिखे थे वह सभी कैरेक्टर आप तैयार कर सकते हैं, या जो मेरे द्वारा बताए गए थे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं कि मोनेरा के कैरेक्टर हैं बेटा। ये क्या होते हैं? मोनेरा के कैरेक्टर मुख्य रूप से होते हैं। अब इसमें आपको इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मोनेरा का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो बेटा मोनेरा का जो क्लासिफिकेशन है, वैज्ञानिकों ने समय समय पर कई भागों में या कई पार्ट में इसको डिवाइड किया था। क्या? कई पार्ट में या कई भागों में डिवाइड किया था। तो देखें यहाँ मोनेरा लिखा हो, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। तो सबसे पहली जो कुछ साइंटिस्ट थे, क्या कुछ साइंटिस्ट थे, ये साइंटिस्ट इसको बैक्टीरिया यानी जीवाणु, क्या जीवाणु, दूसरे नंबर पे एक्टिनो माइसिटिस, कौन सा बेटा? बैक्टीरिया, और पहला दूसरा कौन सा? एक्टिनो माइसिटिस, और जो तीसरा जो आता है वह है साइनो बैक्टीरिया। इस प्रकार से सबसे पहले इनको डिवाइड किया गया था। क्या? इस प्रकार से इनको डिवाइड किया। इसके बाद वैज्ञानिकों ने
इस बैक्टीरिया को माइकोप्लाज्मेटा में डिवाइड किया। किसमें डिवाइड किया? ये क्लास है, ये क्या है, ये इसके क्लास हैं ये, तो माइकोप्लाज्मेटा। फिर दूसरा जो आता है कौन सा? रिकेट सी। कौन सा आता है? रिकेट सी आता है, दूसरे नंबर का क्लास आता है। तीसरे नंबर का जो क्लास आता है वो क्लैमिडी। कौन सा आता है? क्लैमिडी। कौन सा आता है दूसरे तीसरे नंबर का बेटा? क्लैमिडी आता है। चौथे नंबर का स्पायरो किड्स। कौन सा आता है? स्पायरो किड्स आता है। और पांचवे नंबर पे यू बैक्टीरिया आता है। कौन सा आता है बेटा? यू बैक्टीरिया। और 1 2 3 4 5 छठवें नंबर पे आता है मिक्सो बैक्टीरिया। तो इस प्रकार से सबसे पहले जो क्लासिफाइड किया गया था वैज्ञानिकों द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा डिवाइड किया गया था बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटिस एंड साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया को इन साइंटिस्ट ने 5 क्लास में डिवाइड किया। फर्स्ट माइकोप्लाज्मेटा, सेकेंड रिकेट्सी, थर्ड क्लेमिडी, फोर्थ स्पायरोकीट और फिफ्थ यू बैक्टीरिया। फिफ्थ कौन सा? यू बैक्टीरिया। और सिक्स नंबर पे आता है मिक्सो बैक्टीरिया। इस प्रकार से एक क्लासिफिकेशन तो साइंटिस्ट के द्वारा ये दिया गया था। एक क्लासिफिकेशन और दिया गया था, तो उसको देखते हैं आप और हम लोग। कौन सा क्लासिफिकेशन दिया गया था बेटा? जो आर की, कौन सा दिया गया था? आर की बैक्टीरिया। कौन सा दिया गया बेटा? पहला आर की बैक्टीरिया, और दूसरा जो दिया गया यू बैक्टीरिया। ये कुछ आगे चलकर वैज्ञानिकों ने मोनेरा के क्लासिफिकेशन बताया कि टू टाइप्स के भागों में डिवाइड कर दिया गया। आर की बैक्टीरिया इस प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया हैं। कौन से टाइप के बैक्टीरिया हैं? प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया हैं। और यू जो बैक्टीरिया आते हैं, जो आज मॉडर्न बैक्टीरिया हैं, जिनको आज वास्तविक में प्रेजेंट टाइम के जो बैक्टीरिया जो बाद में डेवलप हुए उनको कहा जाता है यू बैक्टीरिया। क्या कहा जाता है? यू बैक्टीरिया। आर की बैक्टीरिया को भी क्लास में डिवाइड किया गया, मैथेनो जंस। कौन सा डिवाइड किया गया? मैथेनो जंस। दूसरा था हेलो फिल्स। कौन सा था? हेलो फिल्स था। और तीसरा आता है थर्मो एसिडो फिल्स। फर्स्ट मैथेनोजन, सेकेंड हेलोफिल्स और थर्ड थर्मो एसिडोफिल्स। ये मतलब डिवाइड किया गया था दूसरे वैज्ञानिकों के द्वारा आर की बैक्टीरिया को। फिर आता है कि यू बैक्टीरिया को किस में डिवाइड किया गया? जो वास्तविक में अपन जो बैक्टीरिया बोल रहे थे वहाँ बैक्टीरिया को अलग किया गया था, यहाँ यू बैक्टीरिया को बैक्टीरिया में डिवाइड किया एक। और दूसरा जो डिवाइड किया गया वो साइनो बैक्टीरिया। तो इस प्रकार से ये समय समय पर वैज्ञानिकों के द्वारा मोनेरा को क्लासिफाइड किया गया। क्या? मोनेरा को क्लासिफाइड किया गया। तो आप और हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग आर की बैक्टीरिया को अलग से टॉपिक में पढ़ेंगे और यू बैक्टीरिया को अलग से टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज आपने ये जैसे देखा कि मोनेरा के क्या कैरेक्टर होते हैं, मोनेरा से किसका ओरिजन, किस वर्ड से ओरिजन हुआ और इनकी क्या क्लासिफिकेशन होते हैं। जो अगला टॉपिक आएगा, 6 नंबर का जो टॉपिक आएगा बेटा, तो उसमें मैं आपको आर की बैक्टीरिया के बारे में बताऊंगा। ठीक है बेटा, पढ़ते जरूर रहें, प्रॉब्लम आने पर कमेंट्स बॉक्स में लिखें और सब्सक्राइब्स जरूर करें। ठीक, ओके।